बहू, ओ बहू, पक्का अपनी माँ से बात कर रही होगी। इस बार तो रक्षाबंधन में इसको भेजूंगी ही नहीं। इसका हमेशा का हो गया है, बैग उठाती है और चल देती है मायके। इस बार बताती हूँ ना मम्मी, ये बुढ़िया कहाँ भेजेगी मुझे, आने देगी मुझे? 1000 ड्रामे होते हैं उसके। चलो कोई ना, कोशिश करती हूँ मैं। कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा इस बुढ़िया को फंसाने के लिए। क्या आइडिया? हे राम, जाने कहाँ गई। देखिए ना माँ जी, मेरी माँ ने मेरी दीदी की सास को फ़ोन किया कि बेटी को रक्षाबंधन पे घर भेज दो। उनने तो साफ साफ मना कर दिया। अब बताइए, ऐसा कौन करता है? दीदी रक्षाबंधन पर भी नहीं आई। मेरी मम्मी तो 70 गालियाँ दे रही थी, चुड़ैल डायन। देखिए, ऐसी होती हैं क्या सासे? अब क्या किया जा सकता है? मैंने तो उन्हें साफ साफ बोल दिया कि मेरी सास ऐसी नहीं है। मैं अगर बोल दूं कि मुझे जाना है तो मैं चली जाती हूँ, वो तो बोल देती हैं, कुछ नहीं बोलती हैं। लेकिन उनकी सास मना कर दिया उनने। बताइए, अब पता नहीं कैसी है उसकी सास, त्योहार पे भी नहीं आने दे रही है। कैसी डायन सी है उसकी सास। मुरे को तो बहुत बुरा लगा माँ जी, अब क्या कर सकते हैं? हे भगवान, ये इसका नया ड्रामा शुरू, कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी। अच्छा माँ जी, ठीक है, मैं चलती हूँ, मुझे पैकिंग करनी है, मुझे जाना भी तो है। मम्मी का फोन आया था ना। ठीक है माँ जी, मैं चलती हूँ।